ओम शांति। आज 4 नवंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे कि जैसे शास्त्रों में गायन है कि नारद को ये इच्छा हुई लक्ष्मी को वरने की, तो उसको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक है। बाबा कहे ऐसे बाबा हर एक बच्चे से कहते हैं कि स्वयं अपने अंदर झांक कर देखो, कोई खामियां तो नहीं है, लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो कौन सी खामियां है। खामियों को निकालने की विधि बाबा ने बताई कि बच्चे सच्चाई से, ऑनेस्टी से बाबा को सुना दो। जब बाबा को सुना देंगे तो बाबा उन खामियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। साथ ही बाबा कहे जब बच्चे ऑनेस्टी से अपने बीमारी सर्जन को सुना देते हैं तो बाबा उन्हें दृष्टि देते हैं, उन्हें करंट देते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, अंदर में आता है कि बच्चों का ये भूत निकल जाए, और इसलिए बाबा विशेष उन्हें सकाश देते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है। उत्तर, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देते हैं। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है, अंदर में आता इस बच्चे का यह भूत निकल जाए, बाबा उन्हें करंट देता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं, हर एक बच्चे को अपने से पूछना है। क्या पूछना है कि बाप से कुछ मिला, किस किस चीज में कमी है, हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक है। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं, जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते व करते ही नहीं हो। बाबा पूछते हैं, खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते व करते ही नहीं है। कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को ये समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है, संपूर्ण बनना है। बाप आते ही है परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है, हिस्ट्री हॉल में सामने चित्र रखा है। अभी अंदर से पूछो, हम इन जैसा परफेक्ट बने हैं। वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी है, यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की है, तो अब अपने से पूछो, हमारे में क्या क्या खामियां हैं, जिनको निकाल हम उन्नति करें। बाबा कहे ये देखो कि हमारे में क्या क्या खामी है, जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें, और बाप को बतावे कि बाबा ये खामी है जो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई कोई नायब सर्जन भी होशियार होते हैं, डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं।
होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां है जिस कारण मैं समझता हूं यह पद पा नहीं सकूंगा। बाप तो कहेंगे ना, तुम इन जैसा बन सकते हो, खामियां बताए तब बाबा राय दे। बाबा कहे खामियां बच्चे बताए तब तो बाबा राय दे। बीमारियां तो बहुत है, बहुतों में खामियां है, कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है जो कोई को धारणा करा सके। बाप रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। बाबा को वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती, मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है, बेहद के बाप को याद करना है और उनसे ये वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में पांच विकारों को जीतने की तो बात ही नहीं होती, और सत्संग भी होते हैं लेकिन वहां भी पांच विकारों को जीतने की तो बात ही नहीं होती। ये बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं। कैसे बाबा को सुनाना होता है ये भी बाबा सिखाते कि बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना, तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं। तुम जानते हो ये पांच विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं, वो भूत नहीं है, लेकिन बाबा कहे पांच विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने लिए फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली है। एक एक बात बाबा स्पष्ट करते, क्रोध की, लोभ की, अब आंखें, इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। ये सबसे सरल और स्पष्ट विधि है कि आत्मा समझकर दूसरों को भी आत्म रूप में देखने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी ये बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं, यह भी जानते हो हम आत्माएं सब वापस जाने वाली है। तो अपने को देखना है कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें यह खामी है तो उनको करंट देंगे, इस बच्चे का यह विघ्न निकल जाए। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप ही राय देंगे। बाबा कहे तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माए बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है जरूर, बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा, ये माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है, युक्ति से भगाते हैं। समझाया जाता है इन पांच भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, कोई में विशेष होता है, कोई में कम, परंतु है जरूर। बाप देखते हैं इनमें यह भूत है, दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। बाबा जब दृष्टि देता है
तो अंदर चलता है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है, इसको समझा नहीं सकते हैं। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े, दूसरे दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, दूसरे की सर्विस करने में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं, कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाबा बैठ समझाते हैं, यह भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघ्न डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं, जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, न कोई कारण न कोई बातचीत, कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है, बच्चे तो नंबरवार है, वह भी बाप को सच बताए तो वह खामियां निकल सकती है। आज बाबा की पूरी मुरली, खामियों को निकालने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ करो तो बाबा को सच बताए तो वह खामियां निकल सकती है और उच्च पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कई न बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं, इतना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं, माया पकड़ लेती है, माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है, दुबन में गले तक फंस पड़े हैं, बाप कितना समझाते हैं। और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप है, एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, हरेक को लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है, ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं, पारलौकिक बाप आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं, शिव के मंदिर तो बहुत है, बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। कई बच्चे बाबा को कहते बाबा सर्विस नहीं है, अरे शिव के मंदिर तो जहां तहां है, शिव के मंदिर तो जहां तहां है, वहां जाकर तुम पूछ सकते हो, इनको क्यों पूछते हो, ये शरीरधारी तो है नहीं, ये है कौन, कहेंगे परमात्मा। इन बिगर और कोई को कहेंगे नहीं, परमात्मा शिव के बिना और किसी को कहेंगे नहीं, तो बोलो ये परमात्मा बाप है ना, उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, अक्सर करके परमपिता परमात्मा कहा जाता है, उनसे क्या मिलने का है ये कुछ पता है। भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं, कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं, तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से नम्रता से बात करने हैं। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है, थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे। ये बीके हैं गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट है, तो मंदिर में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुना दें। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो, हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है, बच्चे चाहते हैं गांवों में सर्विस करें, सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते हैं पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के
84 जन्मों की कहानी सुनाए। गांव वालों को भी जगाना है, तुम जाकर प्यार से समझाएंगे। तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है। यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है, अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। यह तो जानते हो ये पुराना चोला छोड़ना है। इनमें क्या ममत्व रखना है? शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए, अंदर में यही तात रहे। अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। बाबा कहे अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं, फिर यह भी दिल होती है, ऐसे बाबा को कैसे छोड़े? ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। कितना प्यारा बाबा, ऐसा तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए, बल दिन में अपना धंधा आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में यह रखो कि यह तो सब कुछ खत्म हो जाना है, अभी हमको वापस अपने घर जाना है। बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहां जाएंगे। धंधा आदि करो, बुद्धि में ये याद रहे। यह तो सब कुछ विनाश होने का है, पहले हम घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। पहले हम घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। कैसे विचार सागर मंथन करना है सो बाबा सिखाते हैं। बहुत टाइम है, 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा ये बाप से रूहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे, तुम कहां भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा, हर गांव में शिव का मंदिर मिलेगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती है, उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बैठते सन्यासी लोग, ऐसे निश्चय से बैठते हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। और इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं, उन्हों का अभ्यास होता है। हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं परंतु वह तो है रॉन्ग रास्ते पर, बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता है, जीव घात होता है। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेती है। तो तुम बच्चों को क्या करना है? बाबा कहे तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आवे। यहां भी मंदिर आदि बहुत है, तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे कोई विचार नहीं आएगा, योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है,
माया के भूत वाले थोड़ी सक्सेस हो सकते हैं। सर्विस तो बहुत है, बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है। बाप को हम कहां किचड़े में ले जावे, किसके साथ बोले। बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, बाबा भी बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी है। ब्रायन भी है सन शोज फादर, बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है, कहते हैं हम गांवों में जाकर सर्विस करें। हाँ, बाबा को कहते हम गांवों में जाकर सर्विस करें, बाबा कहते भल करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो। चित्रों बिगर किसको समझाना डिफिकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहती है, औरों की जीवन कैसे बनाए, हमारे में जो खामियां है वो कैसे निकाल उन्नति को पाए। तुमको खुशी भी होती है, बाबा ये 8-9 मास का बच्चा है। बाबा के पास ले आते, बाबा ये 8-9 मास का बच्चा है। ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठाएं, हम जिन्स भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्कर लगाते रहे। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना, इतने बड़े बड़े अखाड़े उन्होंने बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ न कुछ शिक्षा बैठ देती है तो नाम हो जाता है। यह तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। कल्प पहले मिसल, ये रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। बाबा कहे ये रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती है। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से भी बाप ही याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी। इसलिए बाबा कहे कुछ भी करके अपनी उन्नति का ख्याल जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा बाप से रू रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत न हो। दूसरी पॉइंट, अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं ये सब विनाश होना है, हम अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला न हो। सदा ये स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। आज का स्लोगन है,
समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। अच्छा, ओ शांति।